इस देश के संविधान को मानते हैं, इस देश का संविधान ही हमको हर चीज का अधिकार देता है। तो बाप का सिनेमा हॉल है, बोल तो रहे कि पटना में लगने ही नहीं देंगे, बिहार में लगने नहीं देंगे ना, पटना में देख लीजिएगा मन जी। उनका भूल है, खबर सब बन के उन्हीं के माँ बाप जब क्लास, जब उनका फिल्म रिलीज होता था शाहरुख खान का, तो क्लास बंक मार मार के जाते थे देखने के लिए। इसके जगह पे अक्षय कुमार रहते तो शायद नहीं विरोध होता, समझे ना। खिलाड़ी 786 बना था ना जी, 786 तो किशन थे ना, आप ही के सांसद ना, क्या नाम है इनका, निरहुआ हैं वो लोग, खटिया से खटिया और बेबी को बियर पिला रहे हैं, भगवा कपड़ा पहना के खटिया से खटिया सटा रहे हैं। उनका भूल है, लाल सिंह चड्ढा लगा ना जी, काहे ने कोई काहे माइका लाल नहीं रोक पाया, सब कहने की बातें हैं। फिल्म रिलीज होगी, सारे लोग रिलीज होगा फिल्म जा रहा, वो लोग तो अंधभक्त हैं, उनको तो कुछ दिखाई ही नहीं देता मोदी के सिवाय, तो पठान मूवी उनको क्या दिखाई दे रहा है भगवान जाने। आप देख रहे हैं उम्मीद भारत, मैं वकील कुमार बादल। देखिए बता दें कि पठान मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन रिलीज होने से पहले बहुत सारे विवाद हुआ कि देश के तमाम ऐसे राजनेता भी इस पर बयान उल्टा पुल्टा उलूल जुलूल देने लगे। मतलब हुआ क्या कि आज ये फिल्म नहीं, मतलब कई रंग की जो बात है तो रंग में बात कर ले तो आए दिन कई ऐसे फिल्में भी बने हैं उसमें ये रंगों दर्शाया गया है, लेकिन उसमें विवाद नहीं हुआ। लेकिन इस बार विवाद इतना बढ़ गया कि आज बिहार के पटना राजधानी में लोग, पटना में कुछ लोग कह रहे हैं कि पटना में फिल्म लगने नहीं देंगे, बिहार में फिल्म ये जो पठान है उसको लगने नहीं देंगे। जरा समझिए कि रंग पे राजनीति है या फिर धर्म पे राजनीति है, यही समझने का बहुत बड़ा फेर है। देखिए हमारे साथ में हैं पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता, AISF के छात्र नेता जो हैं चुनाव भी लड़ चुके हैं पटना यूनिवर्सिटी से। हम उनसे बात करेंगे कि पटना में जो है कुछ लोग बोल रहे हैं कि पठान मूवी हम लगने नहीं देंगे, पठान मूवी में कुछ है क्या? हमको तो कुछ बुझा नहीं रहा है, अब उनको कैसे बुझा रहा है, वो लोग तो अंधभक्त हैं, उनको तो कुछ दिखाई ही नहीं देता मोदी के सिवाय, तो पठान मूवी उनको क्या दिखाई दे रहा है भगवान जाने। अब उनके कहने या ना कहने से हम लोग थोड़े अपना ये करेंगे, हम अपना फिल्म देखने जाएंगे, कौन रोकने वाला है जी। इसके पहले ऐसा मूवी तो बहुत सारा आया अमन जी, लेकिन इस तरह का विवाद तो नहीं छिड़ा। इससे पहले कोई अंधभक्त नहीं ना हुआ करता था, ये लोग 2015 के बाद नहीं सब अंधभक्त लोग पैदा ले लिया है। 2015 के बाद? हाँ 2015 ऐसे कैसे बोल सकते हैं, यहाँ समझने की जरूरत है। कांग्रेसी हैं क्या आप? कांग्रेसी ऐसा बात नहीं है, हम तो पहला बात स्टूडेंट एक्टिविज्म में है। अच्छा। हम एक प्रोग्रेसिव संगठन से, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। हाँ। वो किसी राजनीति से 2015 की बात करें, 2015 के बाद मोदी जी की सरकार आ गया, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, किसी की भी सरकार रहे। लेकिन इस तरह से हमने कभी नहीं देखा फिल्मों को लेकर विवादित होना। शाहरुख खान की फिल्म इससे भी पहले आई है ना जी, बहुत सारी फिल्में आई है, माय नेम इज खान जी, उस समय भी विवाद होता ना चाहिए था। रावण आया था, स्वदेश आया था, अनगिनत फिल्में आई हैं। ये झूठ मूठ के जो देश के लोग को धार्मिक धर्म के नाम पे, जात के नाम पे भड़काया जा रहा है, भगवा का अपमान हो रहा है, तो बताइए। आप ही के सांसद थे ना जी मनोज तिवारी, आप ही के सांसद रवि किशन थे ना, आप ही के सांसद ना, क्या नाम है इनका, निरहुआ हैं वो लोग, खटिया से खटिया और बेबी को बियर पिला रहे हैं, भगवा कपड़ा पहना के खटिया से खटिया सटा रहे हैं, उस समय भगवा का अपमान नहीं हो रहा है? यहाँ समझने की जरूरत है कि एक दृष्टिकोण इन लोग को जो मिला हुआ है अंधभक्ति का, उसी दृष्टिकोण पर चल रहे हैं। आप बताइए ना, भगवा क्या है जी? भगवा हम लोग जानते हैं, भगवा को दिल में हम लोग रखे हुए हैं, हमारे किसी मतलब भगवा रंग है, हमारे तिरंगे का ये रंग है जो शौर्य और वीरता का प्रतीक है, उसके अलावा हम नहीं समझते किसी और का प्रतीक है, क्योंकि हम इस देश के संविधान को मानते हैं, इस देश का संविधान ही हमको हर चीज का अधिकार देता है। तो हम इस देश के संविधान में हमारा भगवा रंग का मतलब है हमारे झंडे का पहला रंग है, जिसको हम लोग केसरिया सैफन कहते हैं। सैफन वो रंग है जो कि वीरता और शौर्य का प्रतीक है, उसके अलावा तो भगवा मतलब किसी विशेष धर्म के लिए प्रेजेंट करता है क्या? कौन है जी लोग, कौन विशेष धर्म का बात कर रहे हैं? बोल रहे हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं लोग, उनके हिसाब से होगा, लेकिन हम समझते हैं कि भारत में एक धर्म थोड़े, बहुत सारा धर्म है। और हम जानते हैं कि उस गाने में 10 को रंग दिखाया गया, इनको एक रंग से प्रॉब्लम है। अब ऐसे कहिएगा तो बहुत चीज़ में है, हिंदू धर्म में आदमी डारा पहनता है, वो भी ऑरेंजे रंग का होता है, तो इससे क्या हिंदुत्व का अपमान होता है? सब झूठ मूठ का काम रह गया ये लोग का। हम पूछना चाहते हैं बाबा लोग, वो भी पहनता है वैसा ही वस्त्र पहनता है और गंदा गंदा काम करता है, बलात्कार कर देते हैं, जैसे कि बलात्कार बहुत सारे लोग हैं जो कर देते हैं। झूठ मूठ का ये सब चीज़ है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है,
फिल्म देखने वाली चीज़ है, इंटरटेनमेंट का साधन है, ना कि किसी के सेंटिमेंट ये सब का साधन है। हमको नहीं लगता है कि उसमें कुछ ख़राब चीज़ दिखाए। एक एक्शन ब्लॉकबस्टर मूवी है, उसके अलावा कुछ नहीं है, मैं यही समझता हूँ। एक छात्र हूँ, एक समय था कि शाहरुख खान की फिल्में देखने के लिए जो लोग आज भगवा लवर सब बन के, उन्हीं के माँ बाप जब क्लास, जब उनका फिल्म रिलीज होता था शाहरुख खान का, तो क्लास बंक मार मार के जाते थे देखने के लिए। दिल दे चुके समय, कुछ कुछ होता है, यही सब फिल्म था ना जी, डर सब देखने गए थे। तो ये सब झुटमुट की बातें हैं, झुटमुट के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। हम लोग को समझने की जरूरत है, फिल्म है, फिल्म को फिल्म के नज़रिए से देखिए, ना कि धार्मिक और किसी जातीय एंगल से देखिए। आपको नहीं लगता कि ये सब जो जाति धर्म की जहां बात की जा रही है, तो ऐसा लगता है कि कहीं धर्म जो है हिंसा बढ़ सकती है, जाति हिंसा बढ़ सकती है? तो हिंसा हर बार बढ़ता है। ये लोग झुटमुट के देश में उस तरह की अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश के लोग से हम समझते हैं कि देश के लोग समझदार हैं, शिक्षित हैं, सुयोग्य हैं, इस बात को समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसका धार्मिक कट एंगल से दिखाया जा रहा है। अगर इसके जगह पे अक्षय कुमार रहते तो शायद नहीं विरोध होता, समझे ना। खिलाड़ी 786 बना था ना जी, 786 तो इस्लाम का प्रतीक है, उसके खिलाफ काहे नहीं विरोध हुआ, समझने वाली बात है ना जी। हैं, ये लोग झुटमुट का काम कर रहे हैं और करने दीजिए इनको, कुछ होने वाला। जाएंगे पटना में देखने के लिए? पटना में लगबे नहीं करेगा भाई, कैसे नहीं लगेगा, इनके बाप का सिनेमा हॉल है। बोल तो रहे हैं कि पटना में लगने ही नहीं देंगे, बिहार में लगने नहीं देंगे ना, पटना में देख लीजिएगा अमन जी। उनका भूल है, उनका भूल है, लाल सिंह चड्ढा लगा ना जी, काहे ने कोई काहे माइका लाल नहीं रोक पाया। सब कहने की बातें हैं, फिल्म रिलीज होगी, सारे लोग रिलीज होगा, फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट कर रही है। किसी के कहने से और ना कहने से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं होगा तो OTT पे रिलीज होगी, अपने आप ब्लॉकबस्टर पैसा कमा लेगी, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पठान मूवी एक एक्शन मूवी है, इसको एक्शन मूवी की तरह देखना चाहिए, कोई धार्मिक का जाति एंगल से नहीं देखना चाहिए। और डांस की बात कर रहे हैं, अश्लील डांस है, ये डांस है, अक्षय कुमार का टिप टिप बरसा पानी उससे ज़्यादा अश्लीलता थी किसी में, या कुछ समय पहले सिम्बा आया उससे ज़्यादा अश्लीलता थी। तो सब कहने की बात रह गई है। आज हम लोग ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं, मॉडर्नाइजेशन के दौर में हैं, इस चीज़ मायने नहीं रखती हैं। और अगर अश्लीलता ही है तो रूढ़िवादी सोच में अगर ये लोग अभी भी रहना चाह रहे हैं, रहने दीजिए। और इसमें भगवा रंग के ये सब हम नहीं मानते हैं। आप कौन विचार को मानते हैं, विचारधारा को मानते हैं? विचारधारा की बात नहीं है यहाँ, सबसे पहली मानवता है। मानवता दिन पे दिन अपने आप में एक अलग रूप ले रही है, वो अपने आप में नवीनतम श्रेणी में जा रही है, इसीलिए जो प्राचीन रूढ़िवादी सोच है उसको तोड़ने का। जब से ये फिल्म आया ना, लग राजनेता भी इसमें बहुत सारे लोग कूद गए, राजनीति करने लगे। फिल्म में तो पहले ऐसा ऐसा होता नहीं था, बहुत सारे फिल्म निकला, अब राजनीति, मतलब राजनीति में भी लोग, राजनेता भी तो इसमें पकड़ लिए, तूल पकड़ा दिए। कूदने दीजिए, जिनको कूदना है कूदफान करने दीजिए, कुछ मेंढक हैं, कुछ बंदर हैं, उनका काम ही होता है कुदकना फुदकना। तो इसीलिए हम लोग उनके जो नेचुरल प्रवृत्ति है, प्राकृतिक प्रवृत्ति है, उसको नहीं हटा सकते। करने दीजिए, देश की जनता बाद मालिक है, उनको फिल्म को हिट करवाना होगा तो हिट करवा देंगे, नहीं तो फ्लॉप करवा देंगे। देख लीजिएगा जाके पटना में, देख लेंगे, देख लेंगे, काहे नहीं देख लीजिएगा जाके। हाँ जी, मेरा फंडामेंटल राइट है कुछ भी करने का। किसी का कहने या ना कहने से हम करेंगे। किसी का बाप का सिनेमा हॉल हो रहा है, किसी का बाप के पैसा जा रहे हैं कि रोक देगा, बस। अच्छा अच्छा, धर्म का एंगल ही नहीं है, झूठ। पठान क्या है जी, हमको हम लोग तो बोल रहे कि पठान की बीवी वहाँ इतना घूमते में, मतलब ऐसे इस तरह से रहती है दुबई में, जिस तरह का बता रहे हैं एक पत्रकार, बता रहे हैं कि दुबई में पठान की बीवी कैसे रहती है। और यहाँ देखिए पठान की जो फिल्म आया उसमें पठान का किस तरह से उसकी भी इस तरह से किया जा रहा है। सलमान खान भी पठान है ना जी, शाहरुख खान भी पठान है, रियल में पठान है, हम कहाँ उनकी औरत को कभी देखते हैं घूमता में। झुटमुट का बात है सब। सऊदी अरबिया में क्या होता है उससे नहीं, सऊदी अरबिया में राजतंत्र है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, उनको समझ आना चाहिए। वहाँ रूढ़िवादी सोच स्थापित है, यहाँ प्रगतिशील सोच स्थापित है, समझने की जरूरत है। उन लोगों को बोलने दीजिए, इन लोगों का काम रह गया है कि कैसे देश समाज में एक समाज में द्वेष फैले, वही काम कर रहे हैं। 2015 की बात कर रहे थे अमन जी, के लास्ट मेरा सवाल होगा, आप 2015 की बात कर रहे थे कि 2015 के आने के बाद जो है, मतलब कि इस तरह का धर्म और जाति के जो हिंसा है वो मतलब बढ़ गया, लोग जाति ज़्यादातर लोग करने लगे, राजनेता नेता लोग करने लगे। हाँ ये सही कैसे बात, मतलब है। कह रहे हैं सही बात है, उस तरह की सरकार ही बनी है जो जातीय गोलबंद, धार्मिक गोलबंद पे काम कर रही है, उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे, देखिए ना, 2000 में कि राज में
उड़ा जाएगा। बताए 2015 से पहले हिंदू खतरा में नहीं था, अब हिंदू खतरा में, अब रंग खतरे में आ गया, अब रंग खतरे में आ गया। एक ही बात है, ये पॉलिटिक्स करने की बात है, इनका जब भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट खतरे में होता है तो इनका हिंदू खतरे में दिखने लगता है, लेकिन सच्चाई होती है कि इनकी राजनीतिक फायदा जो होता है वो खतरे में होता है, तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये हिंदुत्व को खतरे में ले आते हैं, इसके अलावा और कुछ बात है नहीं। हम खुद हिंदू में है ना जी, हमको कहे ना किसी चीज़ का हिंदू है, हम सनातनी है, कहाँ हम खतरे में है। सनातनी हो क्या ऐसा बोलिएगा जी, बोल लो सनातन हो तो एकदम पूरा कब उखड़ल है सबके मन की एकदम पठान मूवी लगने नहीं देंगे। नहीं लगने देंगे, उनके बाप का है सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल कोई प्राइवेट संस्थान का है ना जी, प्राइवेट संस्थान जब सेंसर बोर्ड पास कर देगा तो ये आदमी काहे नहीं लगने देगा। बस बात, बात है झूठ मूठ का है, बात यहाँ पे सिंपल है। फिल्म है, फिल्म को फिल्म के नजरिए से देखिए, ना कि किसी धार्मिक या जातीय एंगल पंथ संप्रदाय के एंगल से देखिए, नहीं तो आदमी जीना ही छोड़ देगा ना जी। बेहतर, बहुत अच्छा लगा अमन जी से बात करके। साफ तौर पर इन्होंने कहा पठान मूवी में जिस तरह को रंग को लेकर राजनीति किया जा रहा है, धर्म से जोड़ा जा रहा है, और कहा यह भी गया है कुछ जो महात्मा है वो कह रहे हैं कि शाहरुख खान का जो है गला रेत देंगे, इस तरह का मतलब कि गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और बिहार में खास करके बिहार में ये कहा जा रहा है कि पठान मूवी लगने नहीं देंगे, खासकर पटना में लगने नहीं देंगे। तो अमन जी जो थे छात्र नेता था पटना यूनिवर्सिटी का, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पटना यूनिवर्सिटी में हम छात्र नेता हैं और हमने सोशल वर्क किया है, और खासकर विचारधारा जो है मानवता हमारी विचारधारा है और इससे हम समझौता नहीं करेंगे। बाकी आपने सुना ही कि जिस तरह से अमन जी बोल रहे थे कि पटना में फिल्म लगेगी भी और हम देखने भी जाएंगे, जिसको जो हिम्मत है जिसको जो करना है वो कर लें। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।